आसमान से बरस रही आग से लोग परेशान हैं। गाजियाबाद में लगातार गर्मी का पारा 43 से 44 डिग्री तक पहुंच रहा है, जिससे स्थानीय निवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भयंकर गर्मी में भी लोगों को घर से निकलना पड़ता है, कोई अपनी रोजी रोटी की तलाश में और कोई डॉक्टर के यहाँ। किसी को अपनी रोजी रोटी की तलाश में घर से बाहर निकलना पड़ता है तो किसी को डॉक्टर के यहाँ। हर कोई अपने जरूरी काम से आ रहे हैं, लेकिन इस गर्मी की वजह से अस्पतालों में लाइनें लगी हुई हैं और लोग गर्मी से बचने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। कोई गन्ने का रस पीकर, तो कोई शिकंजी और तो कोई लस्सी पीकर अपने को गर्मी से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि है जी। रवि, गर्मी ज्यादा है क्या? गर्मी ज्यादा नहीं, काफी ज्यादा है सर। गर्मी इतनी काफी हो रही है कि चक्कर आने लग रहे हैं रोड पे। अगर रोड पे निकल रहे हैं तो ऐसा फील हो रहा है जैसे मतलब अभी गिर जाएंगे। अगर नींबू पानी या ठंडा पानी ना मिले तो मैं कह रहा हूँ कि आदमी खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये नॉर्मल सी चीज़ें ना हो हमारे पास, हमारा वाटर ना हो या फिर हमारे पास ये कुछ ठंडा पीने के लिए ना हो तो आदमी बेकार है। इसमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ऑन रोड जब चलते हैं तो और ज़्यादा गर्मी है। क्या नाम है आपका? लोकेंद्र कुमार। लोकेंद्र, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है? बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। हम एसी का काम करते हैं, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही धूप है। कल तो कम से 45-47 डिग्री टेम्परेचर था, आज तो फिर भी कम है। इससे बचने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं? इसके बचने के बाद शिकंजी वगैरह पी रहे हैं, नींबू पानी वगैरह, यही चल रहा है।